गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कृष्ण कुमार, योर फिजिक्स टीचर। हम प्लस वन साइंस का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, मोमेंटम के बारे में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है और हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा है। अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है नाइन्थ क्लास में भी। सर्कुलर मोशन क्या मीनिंग क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो आपका क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने ए ने यहाँ से स्टार्ट किया और वो यहाँ तक चल के गया है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंगल की फॉर्म में होता है, क्योंकि आप सेंटर से हमेशा आपका डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही रहेगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे एंगल से, कि आपने कितना एंगल कवर किया है। तो यहाँ पर जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल में ये टोटल एंगल कितना कवर करेगा? 360, जिसको हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 पाई। टाइम मान लो उसने टी लिया है, तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अगर आपको सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे? वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आपका क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अब मैं इसको ओमेगा को थीटा की टर्म में लिखूंगा तो ये डबल डेरिवेटिव पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा? डबल डेरिवेटिव पे। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, क्योंकि इनका डिटेल जो हम पढ़ेंगे वो सेवन्थ चैप्टर में पढ़ेंगे इसी क्लास में। यहाँ पर सिर्फ इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। अब है, जब आपकी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ होती है। इस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। अब आप सोचेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे? बड़ा सिंपल है, आपका ये फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो आपका एक्सेलरेशन होता है आपका सर्कुलर मोशन में, उसमें क्या होता है? उसका फॉर्मूला वी स्क्वेयर बाई आर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ए की जगह वी स्क्वेयर बाई आर, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर। एक और फोर्स होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स इसका अपोजिट होता है, सेंट्रीपिटल तो अंदर की तरफ लगता है और सेंट्रीफ्यूगल आपका बाहर की तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। वैल्यू सेम रहेगी, फॉर्मूला भी यही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं कि कहाँ हम ऐसा यूज़ करते हैं। जैसे आपके जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो ड्रायर होता है जो कपड़ों को आपको सुखाता है, उसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं ताकि आपके वाटर के पार्टिकल बाहर की तरफ जाएं, आउटर साइड में। ऐसे ही जब हम मिल्क से क्रीम फाइंड आउट करते हैं तो भी आपका आउटर फोर्स लगाते हैं, फिर आपकी क्रीम उसमें से निकलती है, मिल्क में से। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब है सर्कुलर टर्न ऑन ए लेवल रोड, यानी कि आप कोई व्हीकल चला रहे हैं और एक कोई लेवल रोड है वहाँ पे एक टर्न ले रहे हैं, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। अब कैसे निकालेंगे देखिए जरा, ये आपका कोई सर्कुलर टर्न है, मान लीजिए टर्न आप ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो उसका रेडियस बनेगा, चाहे बहुत ही बड़ा हो, है तो सर्कुलर टर्न। मान लो उसका रेडियस कितना है? आर है। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट आपका नीचे की तरफ लगा और उसका नॉर्मल रिएक्शन आपका टायर्स पर लगेगा R1 R2, जबकि इन दोनों का सम टोटल रिस्पॉन्स रिएक्शन के बराबर ही होगा। तो अगर मैं फर्स्ट टायर का अगर मुझे फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? μ × R1। और अगर मुझे दूसरे का कैलकुलेट करना है तो μ × R2। टोटल इन दोनों का मैं सम कर दूंगा, तो सम करूँगा तो μ R1 + μ R2। अब जो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका म्यू आर बन गया, क्योंकि R1 + R2 किसके बराबर है? R के इक्वल है। अब ये क्या होगा? μ × mg, क्योंकि R आपके किसके अपोजिट है? mg के। तो ना ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, तो ये दोनों क्या हैं? आपके सेम है। तो R की जगह मैंने क्या लिख दिया? mg लिख दिया। अब जो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसी की वजह से आपको क्या मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिससे आप सर्कुलर टर्न ले पा रहे हैं।
अब जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम स्क्वेयर बाई आर। ये हम स्मॉल आर लेंगे क्योंकि ये आपका जो रेडियस बनेगा सर्कुलर टर्न का उसका रेडियस है। तो यहाँ से अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं वेलोसिटी बड़ी आराम से निकाल सकता हूँ, एम से एम कैंसिल, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, आप इसको स्मॉल आर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक टर्म है बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये आपने कई बार देखा होगा जब आप माउंटेन्स पे हिली एरिया में जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पे टर्न आता है तो रोड एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब ये इस वजह से होता है ताकि आपकी जो वेलोसिटी है, जो सेफ वेलोसिटी है, अगर उससे गाड़ी थोड़ी बहुत तेज भी है तो आप आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कैसे, ये आपका लेवल है रोड का लेकिन मैंने एक तरफ से हाई कर दिया, इतना ऊंचा रोड कर दिया, ये आपका दूसरा एंड है, ये आपका दूसरा एंड है रोड का, इतना हाइट दे दी, ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इस बैंकिंग की वजह से जो वेलोसिटी आएगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है, ये जो सेफ वेलोसिटी है। कैसे होगा, इस ऑब्जेक्ट पर जो वेट होता है हमेशा नीचे की तरफ अप्लाई होता है एम जी, इसका रिएक्शन जो होगा वो सरफेस पे अप्लाई होता है आर। अगर ये थीटा है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वापिस से आर कोस थीटा और ये बन गया आपके पास आर साइन थीटा। दूसरा, अब जो आपका ये फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, सॉरी यहां पे देखिए, जो ये आपका आर कोस थीटा बन गया और ये आपका बन गया आर साइन थीटा। अब जो अंदर की तरफ जो आपका फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, आर साइन थीटा की वजह से लग रहा है, और ये आपका क्या हेल्प करेगा, जो सेंट्रीपेटल फोर्स है उसमें हेल्प करेगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल होगा। और दूसरा जो आपका कंपोनेंट है आर कोस थीटा वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो एम जी इज इक्वल टू आर कोस थीटा हो गया। इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, आपका वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू, ये आपका आर से आर कट गया, टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से वी आ जाएगा अंडर रूट आर जी टेंजेंट थीटा। तो आपने सिंपल क्या किया है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, आर कोस थीटा जिसने वेट को बैलेंस किया है और आर साइन थीटा ने क्या किया, सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई किया है। अब ये आपका कंबाइंड इफेक्ट है, ये क्या आपका कंबाइंड इफेक्ट है, किसका, आपका बैंकिंग ऑफ रोड भी और इसमें फ्रिक्शन भी है, तो इसमें दोनों चीजें आएंगी, बैंकिंग ऑफ रोड का भी कंपोनेंट आएगा, फ्रिक्शन का भी आएगा। अब देखिए, ये आपका फ्रिक्शन है जो हमेशा सरफेस के कहाँ लगता है, पैरेलल लगता है। अब इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ये आपका हो गया म्यू आर कोस थीटा या एफ कोस थीटा, और दूसरा हो जाएगा एफ साइन थीटा या फिर म्यू आर साइन थीटा, क्योंकि एफ आपका म्यू आर होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक म्यू आर साइन थीटा होगा, दूसरा आपका होगा म्यू आर कोस थीटा। जो एंगल की टर्म में है वो थीटा हो जाएगा, दूसरे की टर्म में साइन हो जाएगा। अब देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, यहाँ पर जो ये आर कोस थीटा है ये एक तो वेट को बैलेंस कर रहा है नीचे की तरफ और दूसरा इसको कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आर कोस थीटा इन दोनों के बराबर हो गया, दोनों के सम के बराबर। दूसरा, अब सेंटर की तरफ देखिए क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है आर साइन थीटा इसका कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है, दूसरा फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ है वो भी लग रहा है, और ये क्या अप्लाई कर रहे हैं, आपको सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से मुझे एम जी कैलकुलेट करना है, तो ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा और यहाँ से मैंने आर कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया आर कोस थीटा वन माइनस म्यू टेंजेंट थीटा। अब दूसरी जो वेलोसिटी है यहाँ से मुझे क्या, मैंने क्या फाइंड आउट किया है, एम वी स्क्वेयर बाई आर, मैंने वी मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपका बैंकिंग ऑफ रोड का पैरामीटर भी है और आपका फ्रिक्शन का पैरामीटर भी है। अब यहाँ से इस इक्वेशन से मैं ये कैलकुलेट कर लूँगा, आर कोस थीटा यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, ये कंपोनेंट आ गया, ये दोनों इक्वेशन होगी। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा जो मैक्सिमम वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
आपका फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी आ रहा है और आपका जो बैंकिंग ऑफ रोड है उसका कंपोनेंट भी आ रहा है। तो ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा अगर आपकी वेलोसिटी होगी तो आपका जो व्हीकल है वो स्किड कर जाएगा, उसमें फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा और आपकी बाइक या आपका जो भी व्हीकल है वो आपका स्किड कर सकता है, स्लिप कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास है बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। आपने कई बार देखा हो जब साइक्लिस्ट रेसिंग करते हैं या बाइकर्स जब रेसिंग करते हैं तो जब टर्न आता है तो काफ़ी सारे बैंड हो जाते हैं। वो बैंड होने का फ़ायदा क्या है देखिए हम कैसे निकालेंगे, कितना बैंड करना पड़ेगा अगर उनको सेफ वेलोसिटी से रहना है। तो अब इसमें जो आपका साइक्लिस्ट है, मान लो ये आपका साइक्लिस्ट है, इसका वेट नीचे की तरफ लगा, इधर आपका क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। मान लो वर्टिकल के साथ कितना बैंड हो गया, वो थीटा बैंड हो गया, तो इस आर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर और ये आपकी लाइन कट कर रही है इसके साथ, तो वापस से दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो ये आर साइन थीटा, ये आर कोस थीटा। अब सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग जाना है, ये तो सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा और ये वेट को कंपेयर कर रहा है, तो आर कोस थीटा तो वेट को कंपेयर कर रहा है और आर साइन थीटा सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से टेंजेंट थीटा क्या मिलेगा, वी स्क्वेयर बाई आर जी। तो यहाँ से मैं एंगल निकाल सकता हूँ कि आपको कितना बैंड होना पड़ेगा ताकि जो सेफ वेलोसिटी है उससे आप वहाँ से आसानी से पास कर जाएं उस टर्न को। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, थ्योरी भी आ जाती है इस पर। ये एक सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल प्लेन में है, जैसे आपकी जो वॉच होती है, आपकी जो वॉल होती है दीवार पे जो वॉच होती है उसमें जो आपकी टिक टिक जो आपकी नीडल मूव करती है वो वर्टिकल मोशन में करती है, वो मोशन है। ये आपने एंटी क्लॉकवाइज मान लो मूव कर रहे हैं। अब इसका एक पॉइंट ए मैंने लिया है लोवेस्ट पे, दूसरा पॉइंट मैंने लिया है हाईएस्ट पे। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो वी वन है, यहाँ पर वेलोसिटी वी टू है। अब सेंटर से ये टाई अप कर रखा है, मैंने कोई थ्रेड मान लो स्टोन बांधा हुआ है और उसको वर्टिकल मोशन में मूव करा रहा हूँ, मैं किस में करा रहा हूँ वर्टिकल मोशन में। तो ये आपका लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, रेडियस इसका आर है, ये आर है, ये आर है। अब जो आपका टेंशन होता है वो हमेशा फिक्स एंड की तरफ होता है, तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो इधर होगा, इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो आपका इधर होगा, इधर अप्लाई करेंगे। अब ए पॉइंट पे आप देखिए, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो आपका वेट नीचे की तरफ है, टेंशन आपका ऊपर की तरफ है, तो सेंटीपिटल फोर्स तो अंदर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, जो सेंटीपिटल फोर्स है वो क्या होगा, टी वन माइनस एम जी। टी वन तो हेल्प कर रहा है और एम जी उसको अपोज कर रहा है, तो टी वन में से एम जी हम माइनस कर देंगे, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे होगा सेंटीपिटल फोर्स। ऐसे ही जो आपका बी पॉइंट है, इस पे आप देखिए बी पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन भी नीचे है, वेट भी नीचे अप्लाई हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट आपके सेंट्रिपेटल फोर्स में हेल्प कर रहे हैं। अब आपको इस पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ताकि आप आसानी से इस टर्न को कंप्लीट कर जाएं। अब मिनिमम वेलोसिटी तब हो सकती है जब यहाँ पर टेंशन जीरो हो, टेंशन क्या हो ऑलमोस्ट जीरो हो, तो यहाँ पर मैं टेंशन अगर जीरो करूँगा तो एम जी इज इक्वल टू दिस, यहाँ से वी टू यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। अब मैं ए पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा लूंगा, टोटल वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी एट बी पॉइंट। अब ए पॉइंट पर आपकी हाइट नहीं है कुछ भी सरफेस से, अगर ये आपका रिफरेंस हम लेते हैं तो ये, और ये कितनी हाइट पे है, आर प्लस टू आर, तो यहां पर इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन यहाँ पर इसमें सिंपल क्या है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल नहीं है क्योंकि ये इस सरफेस से बिल्कुल भी ऊपर नहीं है पॉइंट, तो मैं इसमें एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करूँगा, एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर सिर्फ आपकी काइनेटिक वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वेयर और बी पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होती है, एच की जगह टू आर पुट करूँगा, मैंने आपको बता दिया क्यों, उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वेयर। यहां से मैं V1 कैलकुलेट कर लूंगा, V2 मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, अंडर रूट जी आर वैल्यू पुट करूंगा तो V1 क्या आ जाएगा आपके पास, रूट फाइव जी आर। अगर आपको लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कैलकुलेट करनी है तो ये जो इक्वेशन है, मैंने सेकंड इक्वेशन लिखी थी, ये देखिए यहां से इस इक्वेशन में मैं V1 की वैल्यू पुट करूंगा तो आराम से T1 आ जाएगा,
यही मैंने यहाँ पर किया है, V1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो यहाँ से आपका T1 आ गया 6 mg। अब इसकी एक एप्लीकेशन है वर्टिकल मोशन की, वो क्या है, आपने कई बार सर्कस वगैरह में भी देखा होगा, एक हाइट से एक साइक्लिस्ट आता है और फिर वो सर्कुलर टर्न ले जाता है, तो वो कितनी हाइट से आए ताकि एक सर्कुलर टर्न को वो कंप्लीट कर सके। यहाँ पर हम सिंपल एक मेथड अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है थर्ड वाली, v² - u² = 2as। अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे और रेस्ट पे है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मान लो v है उसके, तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, ये किसके बराबर हो गया 2as। अब ये फ्रीली फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन किसका होगा, ग्रेविटी का, और हाइट कितनी है इसकी, एच हाइट लेगा ये, तो वी यहाँ पर हो गया √2gh। अब ये हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं कि मिनिमम नीचे वाले पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो V1 हमने कैलकुलेट की थी, यहाँ पर V1 कितना आपका 5gr आपका कम से कम होना चाहिए, तो इस वैल्यू को मैं 5gr के इक्वल पुट कर दूंगा, तो पुट करने के बाद आपका हाइट और रेडियस की रेशियो आ जाएगी। एक बच्चे ने कुछ दिन पहले डाउट भी पूछा था, लेकिन तब हम चैप्टर 3 में थे इसलिए मैंने उसको डिटेल में नहीं बताया था, वो यहाँ से देख सकता है। अगला है आपका कोनिकल पेंडुलम, इसमें क्या है, आपने थ्रेड ऊपर कहीं बांध रखा है और एक सर्कुलर मोशन आप हॉरिजेंटली कर रहे हैं, हॉरिजेंटली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, थर्ड आपने ऊपर की तरफ टाई अप कर रखा है। अब मान लीजिए रेडियस आर है, अब टेंशन आपका किधर लगेगा, जहां पर आपने टाई अप कर रखा वहां पर टेंशन अप्लाई होगा। अब ये एंगल वर्टिकल के साथ मान लो थीटा है, तो ये कितना बनेगा T cos θ कंपोनेंट, और ये टी का ये कंपोनेंट होगा T cos θ, और ये क्या हो गया T sin θ। यहाँ पर जो आपका वेट है वो किधर लगेगा, mg डाउनवर्ड, तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या मिलेगा, देखो mg नीचे अप्लाई हो रहा है T cos θ ऊपर, ये इक्वेशन आगे पहली। दूसरा ये जो अंदर की तरफ अप्लाई हो रहा है इससे हमें क्या मिलेगा, सेंटीपिटल फोर्स, तो मैंने उसके बराबर कर दिया। अब मैं वी की जगह क्या करूँगा, आर ओमेगा, जो आपका फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये mr² = t sin θ। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, वो है √g tangent θ r। अब आप चाहो तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, ओमेगा आप निकाल चुके हो, यहाँ से आपका t आ जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, थैंक यू।